मुझे कौन जानता था और तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। महाभारत ग्रंथ व्यास की लेखने, इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने मुनिना वपि अहम व्यासा, मुनियों में व्यास मैं हूँ, ऐसा संकेत किया। संजय ने व्यास का वर्णन किया, दो बार व्यास शब्द आया गीता जी में भी, कि मैंने गीता उपदेश व्यास की कृपा से सुना, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि व्यास से मिली थी। और सच ये है, हमें भी भगवद गीता मिली तो महर्षि व्यास की कृपा से मिली, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश व्यास जी ने लेखनीबद्ध करके महाभारत में उसे स्थान दिया। महर्षि व्यास ज्ञान के मूल और वो ज्ञान हमारे तक क्योंकि हमारे गुरुदेव के द्वारा पहुंचा, और इसीलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूजा के रूप में भी स्वीकारा जाता है। कृतज्ञता का दिवस है, तो जहाँ से कुछ पाया जाता है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। कृतज्ञता का भाव है ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, क्योंकि जीवन के कल्याण की दिशा मिलती है गुरुदेव से, जीवन के उस सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा मिलती है गुरुदेव से, परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है गुरुदेव, गुरुदेव असत से सत की प्रेरणा है,
गुरुदेव अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा है और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में जहाँ हम प्रेरणा का आदर करते हैं वहीं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये पर्व निश्चित राष्ट्र गौरव का पर्व है क्योंकि ऋषि परंपरा का देश है, गुरु परंपरा का देश है भारत। ये पर्व जो है राष्ट्र के स्वाभिमान का पर्व है, राष्ट्र की अस्मिता का पर्व है, परंपरा का पर्व है, प्रेरणा का पर्व है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के पावन पर्व। और निश्चित रूप से बहुत सुखद है ऐसी जो दुर्घटना हुई है अमरनाथ जी में, लेकिन प्रकृति की स्थितियाँ किसी के हाथ की नहीं है। बस भगवान अमरनाथ से इस प्रार्थना के वो अपनी कृपा बनाए जिनके साथ आकस्मिक ये दुर्घटना हुई है और जो भगवान अमरनाथ को सदा के लिए प्रिय हो गए उनको भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में रखें और आगे अपनी ऐसी कृपा बनाएं कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ ना आए और हम सब भी अपना रहन सहन अपना खान पान इस ढंग का रखें, प्रकृति के साथ जीने की आदत बनाएं, प्रकृति के अनुसार अनुशासित संतुलित संयमित जीवन जीने का अभ्यास में संस्थान और सरकार ने एक विराट जो रूप प्रकट किया कृष्ण जी, किस रूप में प्रसिद्ध होने वाला कुरुक्षेत्र? ज्योतिसर में हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के रूप में अच्छा प्रयास कर रही है। अभी सुंदर दिव्य विराट रूप स्थापित हुआ है वहाँ। और गीता ज्ञान संस्थानम की जो बात है, गीता ज्ञान संस्थानम जियो गीता के द्वारा निर्मित हो रहा है, जो सरकारी केंद्र नहीं, सरकार ये देखिए अच्छे प्रयास कर रही है कुरुक्षेत्र के लिए। गीता ज्ञान संस्थानम जो गीता की एक अंदर की भावना है कि गीता पे रिसर्च हो, गीता पे लाइब्रेरी बने विश्व स्तरीय, गीता पे शोध हो, गीता का अध्ययन हो, गीता के प्रचारक निकले और गीता पे एक विश्व स्तरीय प्रेरक म्यूजियम हो, उस दृष्टि से गीता ज्ञान संस्थानों का निर्माण तेजी से चल रहा है।